हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले टॉपिक गॉस थ्योरम की बात करेंगे, है ना। तो गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले हमने क्या क्या टर्म आपको बताया है। गॉस थ्योरम के कॉन्सेप्ट में जो यूज होने वाले टर्म है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ साथ सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, इन टर्म्स को मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, समझा दिया है। इस टॉपिक में मैं आपको गॉस थ्योरम बताऊंगा। गॉस थ्योरम को बताने से पहले एक टर्म और जान लीजिए, गॉसियन सरफेस क्या होता है। व्हाट इज गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस, देखिए, कोई भी क्लोज्ड सरफेस थ्री डायमेंशनल स्पेस में, यानी स्पेस में कोई भी सरफेस जिससे फ्लक्स होकर के पास हो जाए, यानी और सरफेस इन थ्री डायमेंशनल स्पेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग सरफेस इंटीग्रल, यानी अगर किसी, मतलब अगर स्पेस में, थ्री डायमेंशनल स्पेस में कोई ऐसा सरफेस हो, थ्री डायमेंशनल स्पेस में कोई सरफेस हो जिससे फ्लक्स पास कर सके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर सके, उस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। यानी सिंपली वी कैन डिफाइन द गॉसियन सरफेस अ सरफेस इन थ्री डायमेंशनल स्पेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग सरफेस इंटीग्रल। ओके, नाउ वी कम टू द पॉइंट, गॉस थ्योरम। व्हाट इज गॉस थ्योरम? ओके, गॉस थ्योरम अब क्या है, इसमें टर्म क्या आएगा। गॉस थ्योरम को मैंने स्टार्ट किया है तो गॉस थ्योरम में क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट, गॉस थ्योरम इज अ रूल विच गिव्स रिलेशन बिटवीन चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। अगर किसी भी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, किसी क्लोज्ड सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रख दें, तो उस क्लोज्ड सरफेस से पास करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उससे इनक्लोज्ड चार्ज में एक रिलेशन देगा। या हम दूसरे तरीके से इसको बोल सकते हैं, अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है तो गॉस थ्योरम क्या करता है, गॉस थ्योरम उस क्लोज्ड सरफेस से पास करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उस सरफेस से इनक्लोज्ड चार्ज के बीच में एक रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, दैट इज गॉस थ्योरम। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय, या कह सकते हैं पासिंग थ्रू द, है ना, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। स्टूडेंट, आई हैव टोल्ड दैट द गॉस थ्योरम गिव्स अ रिलेशन बिटवीन द चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। This is the relation between charges enclosed by the surface and electric flux passing through the surface. And Gauss theorem states thus, what? The electric flux through any closed surface is equal to 1/ε0 times the charge enclosed by the surface. It means that the Gauss theorem states thus, the electric flux through any closed surface is equal to 1/ε0 times the charge enclosed by the surface. Okay, this is the statement of Gauss theorem. Now we prove this theorem. अब इसका proof हम लोग देखें. Proof क्या कहता है? Proof. First of all, let us consider
सबसे पहले हम क्या कंसिडर, एक क्लोज्ड सरफेस हमने कंसिडर कर लिया ऑफ एरिया ए, ये एरिया का एक हमने क्लोज्ड सरफेस कंसिडर कर लिया। अब इसमें किसी पॉइंट ओ पर एक प्लस क्यू चार्ज सिचुएटेड है, तो क्या करेंगे, लेट अस कंसिडर अ चार्ज प्लस क्यू इज सिचुएटेड एट ए पॉइंट ओ इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस ए, या बोल सकते हैं इनसाइड ए क्लोज सरफेस ऑफ एरिया ए। ओके, नाउ लेट अस कंसिडर देयर इज ए पॉइंट पी ऑन द सरफेस इस थ्री डायमेंशनल स्पेस पर, इस थ्री डायमेंशनल सरफेस पे हम अगर कोई पॉइंट पी कंसिडर करते हैं तो इस पॉइंट पी के सराउंडिंग में हम एक एरिया एलिमेंट लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट पी हमने ले लिया, वी हैव कंसिडर्ड ए पॉइंट पी। अब इस पॉइंट पी के अराउंड हम एक एलिमेंट्री एरिया लेंगे जिसका एरिया क्या होगा, डी ए, यानी इस ए एरिया के सरफेस पर एक पॉइंट पी लिया हमने और इस पॉइंट पी के सराउंडिंग में हमने इसी सरफेस का एक एरिया एलिमेंट लिया, यानी इसका एक छोटा सा पार्ट लिया, ये ले लिया गया। अब देखिए जब इसका एक छोटा सा पार्ट लिया, अब ये भी मान लिया गया कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस चार्ज प्लस क्यू से, यह डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर डिस्टेंस है ना। अब क्या करेंगे, इसको हमने इससे मिला दिया, ये मिला दिया, यहां से इसको मिला दिया। ओके, अब क्या कर, यह डी ए एरिया जो है इस पे जो एंगल बना रहा है सॉलिड एंगल, वो कंसिडर कर लेंगे डी ओमेगा, सॉलिड एंगल कंसिडर कर लिया हमने कि ये जो डी ए एरिया का जो एलिमेंट है, सरफेस एलिमेंट है, वो क्या कर रहा है, इस केस अंडर यानी प्लस चार्ज क्यू जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट पर डी ओमेगा एंगल फॉर्म कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम एक क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो, क्योंकि सरफेस पे इस तरीके का शेप होगा कि मान लेंगे एरिया वेक्टर क्या होगा इस तरीके से, इधर डी ए एरिया इस तरीके से, और क्या होगा, नॉर्मल जो नॉर्मल है यहाँ पे, यानी नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या है, एन कैप, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमने थीटा कंसीडर कर लिया, यानी देखिए नॉर्मल के डायरेक्शन, और क्या होगा, जिस डायरेक्शन में नॉर्मल है इन द सेम डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, प्लस क्यू चार्ज के कारण, यानी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज द क्या होगा, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड एट पॉइंट पी विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एन कैप, है ना, एन कैप के ही डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने क्या क्या कंसिडर किया स्टूडेंट, देखिये स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं, जो भी स्टेप यहाँ लिखेंगे, जो डायग्राम हमने बनाया उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग, क्या लेट अस कंसिडर क्या अ प्लस क्यू चार्ज, लेट अस कंसिडर अ प्लस क्यू चार्ज इज सिचुएटेड एट पॉइंट ओ इन साइड अ सरफेस ए, या कह सकते इन साइड अ सरफेस ऑफ एरिया ए। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कंसिडर देयर इज ए पॉइंट पी ऑन द सरफेस, क्या होगा, ऑन द सरफेस ए एंड सराउंडिंग दिस पॉइंट पी देयर इज ए एरिया एलिमेंट डी ए विच फॉर्म्स डी ओमेगा सॉलिड एंगल एट पॉइंट ओ एंड ओ पी इज इक्वल टू, ओ से पी का जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल आर कंसिडर किया है। नाउ क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज के कारण, यानी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन। नाउ द नॉर्मल यूनिट वेक्टर विल बी डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन एंड लेट अस कंसिडर डी ए एरिया एलिमेंट मैक्स, क्या होगा, थीटा एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये हो गया। अब क्या करेंगे, नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया एलिमेंट डी ए, डी ए एरिया एलिमेंट से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हम निकालते हैं। नाउ क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डी ए एलिमेंट डी ए क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए डी फाई ई
और ये इज इक्वल टू होगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dA. वी नो दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर dA विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एलिमेंट्री सरफेस. ओके, नाउ वी नो दैट द एंगल बिटवीन वेक्टर dA एंड वेक्टर d इज थीटा. देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज E dA cos थीटा. ये हो जाएगा d phi E. ये हो गया ना. Now we know the formula, but we know that this can be considered as question first. Now, but we know that क्या we know that E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. ठीक है, इस plus q due to this plus q charge, the intensity of electric field at point P will be this is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. ये हो जाएगा ना. अब क्या using this value in equation first, using the value of E in equation first, we get क्या मिल जाएगा. रख दीजिए d phi E is equal to क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा डी ए कॉस थीटा. दिस स्टेप कैन बी रिटेन एज डी पाई ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्या हो जाएगा q, और यह हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर. ये हो गया. You know it, the quantity. यहाँ Q लिख सकते हैं आप Q. This can be written like this. ये product में है, ये ऐसा हम लिख सकते हैं. इस step की जगह ऐसा लिख सकते हैं. Okay? अब क्या होगा? But we know that. But क्या हो जाएगा? But dA cos theta upon r square is equal to d omega. आपको एक केस हमने समझाया था कि अगर ऐसे कहीं projection है. मान लीजिए इसका शेप कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से, और यहाँ पे क्या होगा, ये डीए एरिया है, तो यहाँ से ये वाला शेप क्या हो जाएगा, ये डीए कॉस थीटा वाला बताया था आपको ना, ये वाला नोट में आपको लिखवाया गया होगा. यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक तरफ एन कैप था, एक तरफ डीए था, तो यहाँ पे जो थीटा एंगल बना था, यहाँ से आप डी ओमेगा का वैल्यू जो निकाले थे वो मिला था डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा. देयरफॉर एट द प्लेस ऑफ डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर वी कैन राइट डी ओमेगा. ओके, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय डी ए एट ओ, लिख सकते हैं ना ऐसा. Therefore क्या हो जाएगा, नाउ वी कैन राइट, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं समझाने के लिए बताएं. ओके, नाउ वी कैन राइट व्हाट क्या होगा, डी फाई ई इज इक्वल टू, ये यहां पे लिख सकते हैं ऐसे, डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा, इस पूरे टर्म की जगह डी ओमेगा रखिए, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पे डी ओमेगा. अभी क्या आ गया स्टूडेंट, किस एलिमेंट एरिया से, यानी पी के सराउंडिंग में जो एलिमेंट एरिया डीए कंसीडर किया गया है उससे पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है. नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कंप्लीट क्लोज सरफेस, नाउ देयरफॉर द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया ए, यानी इस पूरे कंप्लीट क्लोज एरिया से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई. ओके स्टूडेंट, वन थिंग मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि जो देखिए स्टेटमेंट हमने लिखा है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ फार्मूला अगर लिखेंगे तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैसे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं
ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं ना, लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इस टर्म को, सॉरी फॉर दैट आई डिडंट राइट द फॉर्मूला। ओके यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला थ्रू, यहाँ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ये हो गया। यहाँ पे फार्मूला हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फार्मूला होगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ये हो गया ठीक। तो यहां से देखिए ये फार्मूला हमने रिटेन कर दिया, इसी फार्मूले को हमें प्रूव करना है ठीक। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा डी फाई, अब ये लिखा हमने स्टूडेंट, अब क्या करना, अब ये मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो इरेज करने के बाद इस यहां से स्टेप लेंगे हम, इसको इरेज कर रहा हूँ यहां से। ओके ये हो गया, देखिए ये हो गया इस, अब डी फाई का मान जो ये आपने निकाला है यहाँ पे पुट कीजिए, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां से ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू मिल जाएगा क्लोज इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल इसको कैसे इस ऐसा लिया जा रहा है, इसका मतलब स्टूडेंट ये सरफेस अपने आप में क्लोज्ड है, इसलिए यहाँ पे अगर ये सरफेस क्लोज नहीं रहता वैसे लिया जाता तो क्या होगा, यहाँ एलांग ए ऐसे भी लिखते हैं कहीं कहीं ये यानी कि सरफेस ए के अलांग इंटीग्रेट किया जा रहा है, ऐसे क्लोज रख दिया गया तो ये जो सरफेस है वो अपने आप में क्लोज्ड है, इसलिए यहाँ सर्कल टाइप का रखा जाता है, ये हो गया। अब यहां से देखिए क्लोज इंटीग्रल और डी फाई का वैल्यू यहां रखिए क्यू अपॉन फोर पाई ए एप्सिलॉन नॉट और यहाँ डी ओमेगा, तो देखिए क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ये डी ओमेगा हो जाएगा। यहां से देखिए क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ डी ओमेगा का वैल्यू जो होगा फोर पाई, क्यों देखिए इस कंप्लीट यानी इस पी पर इस ओ पॉइंट पर किसी स्फेरिकल पोर्शन के द्वारा यानी किसी थ्री डायमेंशनल बॉडी के द्वारा जो कंप्लीट सॉलिड एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा फोर पाई के इक्विवेलेंट होगा, यहां लिख सकते हैं सिंस क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा इज इक्वल टू फोर पाई क्या एंगल सबटेंडेड बाई एरिया ए एट पॉइंट ओ, ये लिखना होगा ये सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई ए लिखेंगे डीएनए लिखेंगे अब ए लिखेंगे एट ओ, ये चीज मिल जाएगा आपको। अब ये रखने के बाद देखिए यहां से फोर पाई से फोर पाई कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं हम, फोर पाई से फोर पाई कैंसिल हो गया तो क्या मिल जाएगा आपको क्यू और नीचे एप्सिलॉन नॉट यानी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल गया, या ये हो गया। और वी कैन राइट फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द गॉस थ्योरम, दिस इज द गॉस थ्योरम, दिस इज द गॉस थ्योरम, ओके हैंस प्रूव्ड। और ये क्या होगा हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना था हमको ठीक। ओके तो ये था गॉस थ्योरम और इसका प्रूफ है ना, तो गॉस थ्योरम हमने क्या बताया था द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस दैट इज फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बेस का टर्म आप हटा करके भी बोल सकते हैं फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके तो आज के वीडियो में मैं इतना ही, बाकी के जो गॉस थ्योरम से रिलेटेड कंटेंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल कराऊंगा। ओके तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट।